हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, पहले तो हम लोग समझेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर हम लोग एक ग्राफ की मदद से समझेंगे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें दो इंपॉर्टेंट लॉज है, पहला विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और दूसरा स्टीफेंस लॉ। उन दोनों के बारे में ध्यान से समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते ब्लैक बॉडी क्या है। देखिए, आप लोग को शायद थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया था, है ना, आपको पता भी होगा, बस रिवीजन कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी मतलब क्या है? कोई भी ऐसा बॉडी जो कि सारा इंसिडेंट लाइट अगर पड़ रहा है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, ब्लैक बॉडी। मान लीजिए यही पेन है, है ना, ये अगर ब्लैक बॉडी होता, आइडियल ब्लैक बॉडी होता, तो इसमें जितना कुछ इंसिडेंट लाइट, मान लीजिए कितना भी वेवलेंथ हो, वेवलेंथ कोई भी हो सकता है, विजिबल वेवलेंथ हो या नॉन विजिबल वेवलेंथ हो, ठीक है ना, वो अगर इसमें आइडियल ब्लैक बॉडी अगर ये होता तो ये क्या होता, सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेता। मान लीजिए 99% या 100% ही एब्जॉर्ब कर लेता अगर आइडियल ब्लैक बॉडी होता। और ब्लैक बॉडी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अगर कोई चीज, है ना, किसी को एब्जॉर्ब कर ले, सारा कुछ एब्जॉर्ब कर ले इंसिडेंट लाइट, तब हम लोगों का जो आईज है वो देखने में हमेशा ब्लैक लगता है, वो चीज देखने में हमेशा ब्लैक ही लगेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी की अगर मैं बात करूं, जो कि 96% एब्जॉर्ब कर लेता है, वो होता है लैंप ब्लैक, आप लोग देख सकते हो, या फॉस्फोरस ब्लैक होता है, है ना। तो देखिए, वो दोनों तो एग्जांपल हो गया ब्लैक बॉडी का। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझेंगे डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे। आप लोग लिख सकते हैं एनी बॉडी, है ना, एनी बॉडी आप लोग लिख सकते हो व्हिच एब्जॉर्ब्स, जो कि एब्जॉर्ब करता है, एनी बॉडी व्हिच एब्जॉर्ब्स इंसिडेंट लाइट, व्हिच एब्जॉर्ब, आप लोग लिख सकते हैं ऑल द इंसिडेंट लाइट, यानी कि सारा, है ना, जितना पड़ेंगे सभी के सभी ऑल द इंसिडेंट लाइट, तो आप लोग लिख सकते हो एनी बॉडी व्हिच एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, इज कॉल्ड, क्या लिख सकते हो, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, है ना। तो डेफिनेशन हो गया यहाँ से, है ना, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग एक बात और लिख सकते हो कि जो वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट का होगा वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, विजिबल वेवलेंथ हो सकता है या अल्ट्रावायलेट रीजन का कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मैं इस ब्लैक बॉडी को, आप लोग ध्यान से सुनना, अगर मैं ब्लैक बॉडी को थोड़ा सा टेम्परेचर देके गर्म कर दूँ, तो क्या होता है, जो रेडिएशंस लिया था ना उसी को एमिट कर देते हैं, है ना, यानी कि जो रेडिएशंस एमिट करेंगे वो जो रेंज है वो कोई भी रेंज ही नहीं है, मतलब इनफाइनाइट तक रेडिएशन एमिट कर सकता है ब्लैक बॉडी, है ना। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एब्जॉर्ब ही करेंगे, वो एमिट भी कर सकते हैं, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसका जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग कैसे समझेंगे? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? तो मैं जो डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, आप लोग कैसे लिख सकते हो, अगर हम लोग इफ़ वी प्लॉट, आप लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ डायग्राम वगैरह लिख के चले जाते हैं, यार डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या लिखेंगे आप लोग, है ना। इफ वी प्लॉट वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, है ना, जो रेडिएशन का इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एक तरफ और एक तरफ हम लोग वेवलेंथ को लेंगे, है ना, वेराइंग द टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे। देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूँ तभी तो रेडिएशन बाहर निकलेंगे ना, तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, तो वेराइंग द टेम्परेचर हम लोगों को क्या मिलता है, एक ग्राफ मिलता है, वी गेट ए ग्राफ व्हिच इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हिच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बना लेते हैं, चलिए इस तरफ हम लोग क्या बनाएंगे, इस तरफ हम लोग वेवलेंथ को मान लेते हैं और इस तरफ हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मान लेते हैं। मान लीजिए जो वेवलेंथ है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है ना, वेवलेंथ 100 मीटर मान लीजिए, या आप लोग कह सकते हो नैनोमीटर, कुछ भी मान सकते हो, जो कि रेंज होता है बेसिकली 500 होता है, मान लीजिए 100 500, फिर क्या होगा 1000 होगा, फिर 1500, ऐसा मान लीजिए, है ना। मानने में क्या जाता है, यहाँ से मान लीजिए 1, यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी है, यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी, या बहुत लोग कहते हैं पावर डेंसिटी, कुछ भी कहो यार, 1 2 3 4 5 6 ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग अगर इस ग्राफ को प्लॉट करें तो हमें क्या मिलता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हम लोग को मिलेंगे, थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, उसको अगर हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करें तो पहला वाला कुछ इस तरीके से होता है,
पहला वाला मान लीजिए जो जिस टेम्परेचर पर हम लोग स्टार्ट कर दें 3000 केल्विन, वो टेम्परेचर क्या है मान लीजिए 3000 केल्विन, तो हम लोग टेम्परेचर को अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तब क्या चेंजेस आता है वो ध्यान से देखना है ना। मान लीजिए टेम्परेचर को हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्या हो, यही वाला ग्राफ बना लेकिन थोड़ा सा ऊपर चला गया, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर चला गया। और जो यहाँ पर दिखे ये वाले ग्राफ पर जो मैक्सिमम पॉइंट था, ये वाले ग्राफ पर जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये ग्राफ को ध्यान से अगर देखोगे तो पहले तो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया है ना, और फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो पहले मैक्सिमम पॉइंट यहाँ था, जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाया, इस वाले में टेम्परेचर कितना था, इस वाले टेम्परेचर मान लीजिए 4000 केल्विन, मान लीजिए क्या है 4000 केल्विन है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है जिसे आप लोग नाम दे सकते हो लैम्डा एम, है ना, जो कि यहाँ पर अगर मैं प्लॉट करूँ तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मैक्सिमम पॉइंट है ना। तो वेवलेंथ जो है वो इस तरीके से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है टेम्परेचर के साथ, है ना, घट रहा है आप लोग कह सकते हो, क्योंकि वेवलेंथ इस वाले पॉइंट पर वेवलेंथ ज़्यादा है, इस वाले पॉइंट पर वेवलेंथ थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो अगर मैं फिर से बढ़ाऊँ, अगर मैं ऐसा फिर से करूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, है ना, जिसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो फिर से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जो मैक्सिमम पॉइंट है फिर से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, है ना। तो आप लोग कह सकते हो कि ध्यान से देख के कि जो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ पर मैं स्टार मार्क करके दे रहा हूँ, आप लोग शायद समझ गए कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ का पॉइंट है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या आप लोग कह सकते हो अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूँ, है ना, एक कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई टाइम, या कई सारे किताबों पर ऐसा लिखा गया है लैम्डा एम टी इज इक्वल टू सी, और इसे हम लोग क्या कहते हैं पता है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहते हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है ना। तो पहला वाला लॉ जो कि मैंने बताया था कि इम्पॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट था, स्टीफेंस लॉ। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट था, स्टीफेंस लॉ। ध्यान से देखना आप लोग, मैं इस वाले को हटा रहा हूँ, ठीक है ना, देखने में बहुत ही खिचड़ी जैसा लग रहा है तो मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए अब हम लोग क्या बात करेंगे, इसके नीचे जो कुछ भी एरिया है, जो पहले वाले टेम्परेचर पर ये वाला क्या है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जितना रेडिएशन बाहर निकल रहा है उसका एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला एरिया, है ना। तो ये जो एरिया है वो आप लोग ध्यान से देखो बढ़ रहा है, वो जो एरिया है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, है ना। टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाएंगे तो एरिया भी देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखिए पहले तो इतना था, है ना, अब थोड़ा सा बहुत बढ़ गया, अब फिर से थोड़ा सा बहुत बढ़ गया, तो हम लोग कह सकते हैं T^4। ये देखिए हम लोग कह नहीं सकते, ये एक्चुअली क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, है ना। जब हम लोग एनर्जी को बढ़ाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए T^4। इसको जब हम लोग हटाएंगे, यानी कि प्रोपोर्शनल साइन को जब हम लोग हटाते हैं, आप लोग देख रहे हो ना, देख रहे हो प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं, कुछ ऐसा आप लोग कॉन्स्टेंट लिख सकते हो या सी भी लिख सकते हो जो कि कॉन्स्टेंट है, या स्टीफेंस कॉन्स्टेंट है, और इसका नाम लॉ क्या है, स्टीफेंस लॉ, आप लोग देख रहे हो ना, देख रहे हो इसका लॉ क्या है, स्टीफेंस लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि मैंने देखिए आप लोगों को जैसे कि बताया मैंने आप लोगों को पहले ही शायद फोर्थ सेमेस्टर में जो पहला या दूसरा टीचर लेक्चर था उससे मैंने आप लोगों को ये सब कुछ बता दिया था, है ना। तो इसे जस्ट एक रिविजन है, तो आई होप लोग यहाँ तक समझ गए। कुछ भी डाउट होता मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। मिलता है अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।